नमस्कार दोस्तों, रेल मिक्स नॉलेज में आपका फिर से एक बार स्वागत। दोस्तों, यूपी के कानपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां बिजनेस की टीम के डर से शनिवार को लखनऊ फाटक के करीब एक टीटीई चैन पुलिंग करके भाग निकला। हालांकि उसे घेर कर धर दबोच लिया गया। उसके पास एक काले रंग का बैग भी था जो कि मौके से नहीं मिला। आरपीएफ ने चैन पुलिंग के आरोप में टीटीई के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। कानपुर सेंट्रल पर किसी टीटीई के खिलाफ 50 साल में यह पहली बार इस तरह की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। दरअसल क्या हुआ था, आइए जानते हैं। दिल्ली से लखनऊ जा रही 12004 स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस को चेक करने के लिए 3 सदस्यीय विजिलेंस टीम सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर तैनात थी। ट्रेन रुकते ही सभी टीटीई की तलाशी शुरू कर दी गई। टीटीई आनंद और अनुदीप की 2 से 6 नंबर कोच में ड्यूटी थी। आनंद को लगा कि उसके पास अतिरिक्त कैश था, वो जांच टीम को चकमा देकर ट्रेन में चढ़ गया। इसी दौरान गाड़ी भी चल दी, विजिलेंस और आरपीएफ भी ट्रेन में चढ़ गई। खुद के पकड़े जाने के डर से आनंद ने लखनऊ फाटक से पहले चैन पुलिंग करके भाग निकला। कुछ ही दूरी पर आरपीएफ की एसआई और अन्य स्टाफों ने आनंद को पकड़ लिया। उसके पास एक काले रंग का बैग था जो कि मौके पर नहीं मिला। वहीं टीटीई अनुदीप की तलाशी के दौरान 13,000 रुपए अतिरिक्त मिले। बाकी 3 टीटीई की तलाशी की गई लेकिन उनके पास कोई अतिरिक्त कैश नहीं मिला और उनसे पूछताछ जारी है। विजिलेंस की रिपोर्ट पर आरपीएफ प्रभारी बीपी सिंह ने चैन पुलिंग के मामले में टीटीई आनंद के खिलाफ रेलवे एक्ट 141 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। डिप्टी सीटीएम आशुतोष सिंह ने बताया कि शताब्दी एक्सप्रेस में विजिलेंस टीम के छापे की जानकारी तो हुई है लेकिन इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कोई आगे कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, यदि आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।